हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया है। गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक गार्डनर है, मतलब माली है, और जो अपने गार्डन को फेंस करना चाहता है। और गार्डन कैसा है उसका? एक सर्कुलर गार्डन है, राइट? एक सर्कुलर गार्डन है उसका, उसे फेंस करना चाहता है। मतलब ये गार्डन के ऊपर उसके आसपास में एक फेंसिंग करना चाहता है, एक बाउंड्री बनाना चाहता है, राइट? वो डायमीटर कितना है इस गार्डन का? सर्कुलर गार्डन का 21 मीटर का डायमीटर है, राइट? फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। कितनी रोप की लेंथ उसे लगेगी, उसे कितनी परचेस करनी पड़ेगी रोप। इफ़ ही मेक्स टू राउंड्स ऑफ फेंस, अगर वो टू राउंड्स बनाता है, जैसे यहाँ से शुरू किया एक बार फेंसिंग की वो रोप की, और फिर दूसरी बार की, मतलब दो बार दो राउंड बनाएगा वो फेंस में, राइट? और उसके बाद में आपको कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है रोप की। अगर वो रोप ₹4 पर मीटर है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितनी रोप लगेगी। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, लेंथ ऑफ रोप नीडेड, ठीक है? कितने रोप की जरूरत पड़ेगी पहले निकालना पड़ेगा। जब रोप पता चल जाएगा कि इतनी लेंथ का रोप चाहिए, तो हम उसकी कॉस्ट में उसे डाल देंगे। कॉस्ट जो है हमें पता है, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल रोप की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ रोप नीडेड में हमें क्या आएगा, ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। और हमें एक चीज़ और पता है कि सर्कमफ्रेंस में हमें आर की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर डायमीटर दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 21, तो रेडियस इज इक्वल टू 21/2, राइट? आप चाहो तो इसको 10.5 कर दूँ, और नहीं तो हम 21/2 भी ले सकते हैं, वो उसमें कट जाएगा, ठीक है? आप जो लेना चाहें। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेंथ ऑफ द रोप नीडेड में सर्कमफ्रेंस आएगा, मतलब ये पूरा कितना आएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंटू टू। क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि दो बार चाहिए हमें, दो राउंड लगाने फेंसिंग के, ठीक है? तो इंटू टू कर दिया हमने। अब यहाँ क्या होगा, सर्कमफेरेंस क्या आता है, 2πr इंटू टू। अब वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7। 2 लिया इंटू 22/7 इंटू, आप यहाँ चाहें तो 21/2 ले लें, या 10.5 ले लें। चलिए अपन 10.5 ले लेते हैं, राइट? इंटू टू कर दिया। अब क्या होगा, पहले यहाँ पे कुछ अगर कट सकता है तो हम काट देंगे, नहीं कटता है तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, फिर नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई एंड देन नीचे 7 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो हम पहले ऊपर ऊपर पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 22 2 कर लेंगे, कितना होगा, 44 इंटू 10.5 इंटू 2 अपॉन में 7 आ गया। अगेन अब क्या करेंगे, वापस 44 इंटू 2 कर दो, जो आसानी से हो रहे हैं पहले हम वो कर देते हैं, इंटू 10.5 अपॉन 7। अब क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है? मैं यही करके बताती हूँ आपको। अभी समझ लो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 105 से डायरेक्टली 88 को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हम बाद में देंगे, राइट? 85 40 का 0 कैरी 4, 80 4 नीचे आएगा, 81 8 क्रॉस किया, अगेन 85 40 का 0 कैरी 4, 80 ये 4 आ गया, और 81 8, राइट? ये 0 4, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 9 2 40 और अपॉन में 7 है, और ये पॉइंट क्या, एक नंबर के आगे पॉइंट था, मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 924/7। इसे डिवाइड कर देंगे 924/7 को, यहीं करके देख लेते हैं, 7 1 7 है, 7 1 7 बचेगा क्या, 2 2 में हमने नीचे उतारा 2, तो 7 3 21 बचा 1, और ये 4 उतारा 14, तो 7 2 14 132 मीटर ये आ गया हमारा आंसर। मतलब हमें कितनी रोप की ज़रूरत है, 132 मीटर रोप की ज़रूरत है। यहाँ पर तो हमें क्या आ गया, रोप की लेंथ पता चल गई। अब सेकेंड में हमें क्या बोला है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, अगर ₹4 पर मीटर की वायर है तो। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वायर इज इक्वल टू
वायर नीडेड इनटू फोर, क्योंकि 4 रुपीज वायर नीडेड है और 4 रुपीज पर मीटर है, ठीक है। तो वायर कितनी ज़रूरत पड़ी 132 मीटर की, राइट, इनटू रुपीज 4 लगा पर मीटर, 4 पर मीटर ऐसे मैंने लिखा है। आप चाहे तो डायरेक्टली 132 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों की यूनिट मीटर है। यहाँ पर मीटर और मीटर कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 132 इंटू 4 करना है, 4 2 8, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 4 1 4 प्लस 1 5, 528 रुपीज लगेगा हमें कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वायर कितना आ गया 528 रुपीज। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, जो बहुत ही आसान है। पहले हमने लेंथ निकाली रोप की, टोटल हमें कितनी लगेगी, डायमीटर दिया था उससे हमने रेडियस निकाली, एंड देन रेडियस को पुट किया हमारे सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में, उसे डबल किया क्योंकि 2 बार फेंस करना था। आंसर आया 132 हमारा टोटल वायर आया है। तो हमें कितने रुपये लगेंगे पर मीटर, वायर 4 रुपये की थी, इससे मल्टीप्लाई किया तो 528 रुपीज़ हमारा आंसर आया या कॉस्ट हमें लगेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने कंप्लीट किया है। फर्दर क्वेश्चन को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।